वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव कुकिंग। और आज मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम पास्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें इस पास्ता को बॉईल करना है। तो पास्ता को बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी का यूज़ किया है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई रखा है। पानी में मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून। पानी अच्छे से बॉईल हो गई है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये पास्ता। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे बिल्कुल हाई रखेंगे और इस पास्ता को हम 10 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे कुक होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर ये पास्ता भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। पास्ता अच्छे से बॉईल हो गई है तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और अब मैं इस पास्ता को स्ट्रेन करके इसे अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। पास्ता को यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लिया है तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पास्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और इस पैन में मैंने ऐड किया है सनफ्लावर ऑयल। आप यहाँ पे नॉर्मल किसी भी रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैंने लिया है प्याज। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ के प्याज का यूज़ किया है। प्याज को मैंने बिल्कुल लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसे भी मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। 1 ग्रीन चिली ली है, इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है और इन सारी चीज़ों को मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से स्टर फ्राई करके कुक कर लूँगी। 2 मिनट बाद ये प्याज और टमाटर बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, शेजवान सॉस ऐड करूँगी 1/2 छोटी चम्मच, 1/2 टीस्पून, ऐड करूँगी सोया सॉस 1/2 टीस्पून, विनेगर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, नमक ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इन सारी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे। एक मिनट के बाद ये सारी सब्जियां बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पास्ता। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने बिल्कुल हाई कर दिया है और इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर हमारी इंडियन स्टाइल पास्ता बनकर तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर पास्ता बनाने के लिए सिर्फ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी और वेजिटेबल का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं इस पास्ता को सर्व कर लूँगी। यहाँ पर हमारी यमी एंड स्पाइसी पास्ता बनकर तैयार हो गई है और मैंने इस पास्ता को एक प्लेट पर सर्व कर लिया है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।